तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि सबको मालूम होगा, सबको नहीं तुम्हें तो मालूम ही होगा कि आपका भाई रहता है डाइट पे, और डाइट पे जो है ना वो ये चीज़ जो है हर बॉडी बिल्डर को चाहिए होती है, वो है क्या? फिश। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ तुम्हें मिलेगी हर नस्ल की फिश, और इतनी फिश मिलेंगी और ऐसे ऐसे नाम की मिलेंगी शायद कभी देखी भी ना हो। इस वीडियो में मेरी लगी है बहुत मेहनत, तो भाई मेहनत करा सिला ज़रूर देना। तो भाई बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो, तो वीडियो स्किप नहीं करना और बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसे बनी थी। ठीक है, बहुत है फोटरी, बहुत है दार। क्या खुशबू है यार, बता नहीं सकता। मतलब के यार इतनी कोई स्मेल है यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे ये रुमाल यूज़ करना पड़ गया, और मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा। तो भाई मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पे जो है वो क्या होने वाला है। तो तुम मेरे साथ रहना मैं बाकी की वीडियो के अंदर के, और तुम्हें पता लगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं, ये जो पायलट रेडी हो रहे हैं हमारे जहाज़ों को चलाने के लिए, तो यही पायलट हैं सारे हमारे, और यही इन जहाज़ों को चलाने वाले। ये भाई कौन सी फिश है? बुम्बल है। बुम्बल है ये किस हिसाब से देते हो आप लोग? ये तकरीबन 250 मतलब किलो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हर नस्ल की फिश मिलने वाली है। मैंने आज सच्चा सही है? सही है, सही हर नस्ल की फिश मिलेगी, हर नस्ल की फिश मिलेगी। सही है, ठीक है। हाँ तो भाई चचा कह रहे हैं यहाँ पे हर नस्ल की फिश मिलने वाली है, जो मैंने देखी नहीं भी है, जो सुनी नहीं भी है, वो भी सब मिलेंगे। उफ, ये तो दिखाऊं तुम्हें मैं। ये फिश दिखने में तो बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन रियल में जो देखो ना इसको बहुत बड़ी है। यार ये कौन सी मछली है? ये व्हाइट कुन। ये व्हाइट कुन, इतनी बड़ी तो कुन नहीं देखी आज तक मैंने। इससे बड़ा भी होता है भाई। इससे बड़ा भी तुम्हारे पास है? अच्छा ये है क्या हिसाब ऐसे? 700। कौन सी ये मछली है? ये नाम तो नहीं यार, तुम बता दो कैमरे में। हाँ तुम शर्मा रहे हो इतना यार, कुछ यार। शार्क मछली है ये, सबसे छोटा साइज है ये। ये काटती वाटती तो नहीं है? तो देखो काटेंगे नहीं, अब तो मर गई है, अब तो क्या करेगी ये। यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे हैं वाकई में, और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बड़े ही। खैर लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने शार्क देखी छोटी, बड़ी शार्क तो मैं एक दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है छोटी शार्क देखने को मिली, और लोग खाते भी हैं शार्क। हैरत है, शार्क लोगों को खाती है, लेकिन यहाँ शार्क लोग शार्क को खा रहे हैं। ये फिश जो दिखाई है दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है कैमरे के अंदर, इसको रियल में देखोगे तो, मैं दूर से इसको देखकर आया हूँ तो अब इसका अंदाज़ा लगा लो कि ये हो ही कितनी बड़ी। और यहाँ पे इतना रश है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक चोर बाजार लगा हुआ है, मतलब इतना रश मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। केकड़ा क्या हिसाब है ये? 300 रुपये। और ये बाजू में क्या रखा हुआ है? ये 700 रुपये। ये क्या है? इशिमा आया जो है ना, ऐसी VVIP चीज़ें हैं, ऐसी आला कि मैंने ज़िंदगी में शायद देखी भी नहीं है, और ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम जो बोले भी नहीं जा रहे हो मुझसे। तोता क्या हिसाब है ये? 450। मछलियों के ऐसे ऐसे नाम है, तोता, आगे मिट्टू ना मिल जाए मुझे कहीं, डर इस बात का है। यार ये कौन सी मछली है? ये सिरोल है। सिरोल ले लीजिए। सिरोल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फिश है। अरे बड़ी खतरनाक लग रही है। जी जी जी। और ये देखो इसको कहते हैं, इसका नाम है कुत्ता मंगरा। कुत्ता मंगरा, वही जिस बात का डर था वही हुआ, अभी तोता मछली पीछे देखी मैंने, और यहाँ पे कुत्ता मंगरा। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मछली है, इसका जगह बहुत
अच्छा ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है वैसे? ये अल्लाह भला करे फ्राई में इस्तेमाल होती है, कबाब में इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा बिरयानी में, बिरयानी पका। यहाँ जो भी वीडियो देख रहा है ना, सबको एक एडवाइस है मेरी तरफ से, वो एडवाइस ये है कि जब भी यहाँ आओ ना तो तैयार हो के नहीं आना, क्योंकि तैयार होके आओगे तो सबसे पैसे ज़्यादा पैसे वाले ना तुम ही लगोगे इसके अंदर, और सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और सब तुम्हें बोलेंगे सर क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। एक चीज़ तो और है यहाँ पर, मैंने तो वीडियो बना ली है लेकिन तुम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर वैसे तो मैंने परमिशन ले ली थी। कौन सी मछली है ये? काला पापलेट है ये। ये इससे ही बड़ा साइज आता है क्योंकि मैंने तो बहुत 2.5-3 किलो का एक पीस है ये। और ये हिसाब क्या है, ये क्या हिसाब है? ये 1200 रुपये। एक फिश ऐसी है जो काफ़ी देर से मुझे अच्छी लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, उसके रेट पता करते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी मछली है। चाचा ये कौन सी मछली है? सारम मछली है ये। और ये क्या हिसाब है? 550 रुपये किलो। और ये एक दाना इतना बड़ा जो लग रहा है वो कितने कितने का होगा, मतलब कितना किलो किलो का होगा? ये एक दाना 10 किलो का। अच्छा ये कौन सी मछली है? अलग नस्ल की दिख रही है ये मछली, इसको बोलते हैं गबर पापलेट। गबर पापलेट जंगली वाला। अच्छा चाचा ये इतनी बड़ी है, कितने किलो की होगी एक पीस? ये तकरीबन 7 किलो, 6-7 किलो का एक पीस होगा ये। और ज्यादातर लोग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं ये? सालन में इस्तेमाल करते हैं। सालन में इस्तेमाल करते हैं। देखो फिश कितनी खूबसूरत है, इसको देखो बस, सब कुछ छोड़ो। चकोरी है ये, इतनी खूबसूरत, लोग खाते हैं इसको या इसको संभाल के रखते हैं शोकेस वगैरह में? तो बड़ी खूबसूरत फिश है यार ये तो। बात सुबह सुबह की है यार, ये देखो मछलियाँ किस हिसाब से पड़ी हैं यहाँ पर ना। और ये सारी पता कौन सी हैं? ये सारी शार्क में है, छोटी शार्क के बच्चे हैं सारे। और ये देखो हर नस्ल की फिश है यहाँ पर। और जब भी यहाँ पर आना हो ना तो सुबह में आना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है ना वो तुम्हें सुबह में मिलने वाली है। वैसे लगती है 3 टाइम मार्केट है यहाँ पर, यहाँ पर सुबह शाम रात में, लेकिन तुम आना, अगर तुम्हें आना हो और अच्छी फिश चाहिए तो वो सुबह में मिलेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना वैसे ही रश बढ़ता जाएगा और निकलने में होगी बहुत परेशानी। अब इससे पहले रश बढ़े और मैं निकल जाऊं, बजने वाले हैं सुबह के 7, ठीक है, तो मैं निकल जाऊं सुबह रश बढ़े। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा दूं जो बहुत खूबसूरत व्यू है, शायद मेरे लिए लेकिन शायद तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देख के ना मुझे इंडियन फिल्म्स याद आ गई, अक्सर इंडियन फिल्मों में दिखाई जाती है ना इस तरह की शेप बोर्ड वगैरह जहाँ पे गुंडे वगैरह आते हैं। खैर कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताओ इस चीज़ के बारे में, और मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना सख्त मना है। जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और ऐसी मोहब्बत दिखाते रहो। अब धूप आना शुरू हो गई है और गर्मी आजकल कराची में बहुत ज़्यादा है, तो मैं चलता है घर, और इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है मेरी। तो लव यू लव यू लव यू, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल।